नमस्कार, डिकोड विथ रोहित रोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता हैं संजय कश्यप जी। आज हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में हैं और इनसे बीजेपी से रिलेटेड सारे उन इश्यूज पे बात करने की कोशिश करेंगे, वन टू वन, जो शोरगुल से रहित है और डायरेक्ट बात हो रही है। तो संजय कश्यप जी, सबसे पहले तो डिकोड विथ रोहित रोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो आपसे कुछ नया सुनने का मौका मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं। तो संजय कश्यप जी, आपने मुझे आमंत्रित किया जी। कश्यप जी, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। 2024 का जो रिजल्ट आया, जो चुनाव हुआ, चुनाव के पहले बीजेपी सबसे आइडियल कंडीशन में थी, यानी कि मोदी जी के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। सभी सर्वे में मोदी जी 360, 370, 380 और कुछ सर्वे में तो 400 भी बता रहे थे। आपसे अगर मैं पूछूं कि ऐसी तीन क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत पाते पाते रह गई? देखिए, लगातार तीसरी बार ये इतिहास बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि उसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। क्योंकि प्री पोल अलायंस में हम लोग गए थे और हमारा जो अलायंस था वो एनडीए का, कोई बाद में सरकार बनने के बाद, सीटें आने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने अपने को, हमारा प्री पोल अलायंस था। तो और जब पार्टी पूरे देश में फैलती है, देखिए जैसे हम लोग, चाहे हमारा वोट शेयर हो, मैं अभी तमिलनाडु के दौरे पर था और वहां से आया हूँ, एक बदलाव की बयार वहां पर दिख रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जहां पर झंडा नहीं होता था, आज वहां हर गली में झंडे लगे हुए हैं। ये मैं फोटोग्राफ्स भी लाया हूँ दिखाने के लिए, अलग तरीके का उनका। और उड़ीसा में हमारी सरकार बनी और केरला में हम लोग सीट पाए हैं, उधर बाकी और क्षेत्र में पश्चिम बंगाल हो, ये सब में वोट शेयर बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तीन साल में ये पाया कि हम लोग पूरे देश की नंबर वन पार्टी है जी। कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन लगातार चालू, इस बार भी बुरा प्रदर्शन रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैं साफ गोई के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हम लोग उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना, अगर हम लोग उतनी सीट भी पा पाए जाते जितनी की हम लोग थी, तो भी हम पर कोई, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का एनजीओ सेल देखता हूँ, उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का, तो पूरे प्रदेश, जब मैं तमिलनाडु जाता हूँ या देश के और, क्योंकि मैं आपको पता है कि गैल का डायरेक्टर भी हूँ, इसलिए पूरे देश में जाना होता है काम से, तो वहां उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछा जाता है कि क्या हो गया। यहाँ पर कुछ चीजें जो विपक्ष का एक जुटता है, इस बार वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो गई, जिसको थोड़ा सा हमारा नेतृत्व वो कर गया ना जी। और इसके और तो उत्तर प्रदेश से एक बात कर रहा हूँ, बाकी पूरा चार राजस्थान पूरा, और अब देख मध्य प्रदेश में हम लोग पूरी सीट लेकर आए। राज्य सरकार की कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी होती है, ये इनकम्बेंसी भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर कुछ काम करा हो। मैं मोदी जी की नहीं कह रहा, यूपी की बात, यूपी की बात, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ा, जब हम लोग को आदत हो जाती है जीतने की, उसी वक्त आदत पड़ जाती है हमको आराम करने की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लगातार, अगर सरकार का काम नहीं होता वो संगठन का काम करता है। अभी भी हम लोग, क्योंकि सरकार बन चुकी है, लेकिन माँ के नाम के पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। अभी भी हमको, अगर वृक्षारोपण नहीं कर रहे तो हम कांवड़ किसी में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहाँ भी कांवड़ सेवा जा रही है वहां पर आदेश है कि आप कांवड़ों की यात्रा में लगो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम करता है, सेवा में लगता है, पॉलिटिकल काम करता है, कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे, तो इसलिए
एक स्थिति आ जाती है कि चलो भाई अभी ईज हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एग्जिट पोल ने दिखाया कि हम लोग 360-400 पार कर रहे हैं। एग्जिट पोल तो साइंटिफिक होते हैं, तो ये लगातार चीजें ऐसी होती रही जिससे कि चाहे वो बूथ पर हो, चाहे उस पर सेक्टर पर हो, या उस तरह का जो हम लोग चुनाव लड़ते रहे उसमें थोड़ा सा मैं स्वीकार करता हूँ। सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ संजय जी आपके लिए। जैसे कि हम लोग रोज प्रोग्राम करते हैं, जो हम लोगों को फील हुआ मीडिया को आफ्टर दिस इलेक्शन, तो मैं वो सारे कारण हम अपना बताना चाहते हैं। आप उन सब पे एक एक लाइन में अपना ओपिनियन दे कि सहमत है नहीं सहमत है, और सहमत है तो क्यों है और नहीं सहमत है तो क्यों नहीं है। पहला एक रीजन हुआ कि जिस तरीके से बीजेपी के जो टॉप नेतृत्व है, खासकर पार्टी जो चलाते हैं, उन्होंने अपने आप को आरएसएस के ऊपर समझने की कोशिश करी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आरएसएस को इग्नोर करने की कोशिश किया गया पहला। दूसरा, जिस तरीके से जिनके ऊपर आप पानी पीपे के कोसते थे, कांग्रेस के नेता को, सपा के नेता को, बीएसपी के नेता को, अन्य पार्टियों के नेता को, उनको आप लोगों ने अपने पार्टी में, शरद पवार के पार्टी के लोगों को आपने अपने पार्टी में लिया, जो बाहर के लोगों को एक्सपोर्ट किया गया है, इंपोर्ट कर लिया आपकी पार्टी ने, इससे जो आपके कार्यकर्ताओं के मन में था कि भाई आपके यहाँ चपरासी भी और आपके यहाँ एक पानी पिलाने वाला आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भ्रम, ये एक अच्छी बात थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो उनका दिल टूटा। तीसरा बड़ा रीजन था कि मोदी जी का जो एक-एक करके बात कर लेते हैं। चलिए आप इन दोनों पे आ जाइए, दोनों के बात कर देता हूँ। पहली बात कि जो आरएसएस की बात आपने कही, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी या आरएसएस ने कभी ऐसा कहा हो कि पॉलिटिकल वो कभी खुलकर सामने। जेपी नड्डा जी ने स्टेटमेंट दिया था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। मैं वही आ रहा हूँ। नहीं, आरएसएस की जरूरत इस देश को है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इस देश को है। और भारतीय जनता पार्टी केवल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को हम प्रेरणा, कि आरएसएस को हम प्रेरणा मानते हैं, आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है उसको हम लोग प्रेरणा मानते हैं, उसी की प्रेरणा से हम लोग उसी के परिवार के अंग हैं, और वो बल्कि मात्र संगठन है हमारा, तो यहाँ तक भी हम लोग कहने में कोई संकोच नहीं है। आरएसएस का कोई आदेश हम लोग नहीं कर सकते, आरएसएस कोई आरएसएस हमारा आदेश मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। और जो आरएसएस को लगता है, मैं तो पता नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं खुद बात कर रहा हूँ, आरएसएस ने ये कि यहाँ बैठक हुई तो उसने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इसको करना, उन्होंने कहा कि हम अधिक से अधिक वोट निकालेंगे। देखिए, तमाम चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या सब हो, उन सबका ये रहता है कि भाई वोट दो, अगर अधिक से अधिक वोट जाएगा तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। तो मुझे, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मैं अपनी बात करता हूँ या मैं आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी बात करता हूँ, तो आरएसएस ने पूरी योजना बनाकर केवल इस वक्त काम किया कि हम अधिक से अधिक वोट निकालें अपने, और वही हर बार करता है। मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई ऐसा कोई आरएसएस का मामला बना हो, या नड्डा जी ने जो विषय कहा था ये बिल्कुल मीडिया में भी चला, लेकिन उसका नैरेटिव अलग से कर लिया गया, यानी कि हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आरएसएस का जरूरत देश को है, भारतीय जनता पार्टी को विचारों के लेने के लिए आरएसएस के पास ही जाना पड़ता है। हम जाते हैं लगातार, क्योंकि आप जानते हैं, मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि भारतीय संघ का एक बैठक होती है, जिसको हम चाहे वो संघ परिवार की बैठक कहते हैं या कुछ और कहते हैं ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि बुलाते हैं और हम उसमें चर्चा होती है जी। और दूसरी बात आपने जो कहा कि जब पार्टी बड़ी होती है तो देखिए, जब ये भावना अलग है कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर हमारे पास किस लिए आया है, ये उसका हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो आया है वो उस दिन से, जिस दिन से हमारी पार्टी ज्वाइन करी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो गया। अभी क्योंकि हमारा जो वोट शेयर है, मैं फिर बता रहा हूँ कि भारतीय जनता की किसी भी राजनीतिक दल को अगर पूरे देश पर शासन करना है, देश का प्रतिनिधित्व चाहिए उसको, और इसकी प्रतिनिधित्व के लिए चाहे वो महाराष्ट्र में, अब ये देखिए ये पॉलिटिकल डायनेमिक्स होती है कि कोई पार्टी टूटकर, ठीक है, एक छोटा सा इसमें आपकी बात में एक छोटा सा सवाल निकल रहा है। आपने कहा कि जब पार्टी बड़ा होता है और उसके लिए लोगों को लाना पड़ता है, मैं समझ रहा हूँ,
एक तरफ तो आप पहले से क्लेम करके बैठे हुए हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और दूसरे तरफ आप बोल रहे हैं कि भाई आपके पास, आपको पार्टी बड़ा करने के लिए दूसरे के पार्टी के लोगों को लेने की जरूरत है, तो ये तो अपने अपने आप में कंट्राडिक्टी हो गया ना। विश्व की सबसे बड़ी, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हम मान गया ना सर, हम मान गए आपकी बात को। हाँ, और दूसरी बात ये कि लेकिन उसके बावजूद भी, उस बड़ी पार्टी के होने के बावजूद भी जो दूसरे जो तमाम विपक्ष है उसको क्यों, हम विपक्ष को क्यों कम ना कमजोर करें, ये होता है कि हम लोग अगर विपक्ष से कोई हमारी पार्टी को, हम क्यों, हम तो दरवाजे बंद नहीं करेंगे, हमारे दरवाजे और खोलेंगे, और तरह के रास्ते खोलेंगे, तो वो तरह तो उनको भी उसी तरीके से लाइए ना, उनको भी कार्यकर्ता बनाइए, उनको भी स्ट्रगल करने दीजिए एमपी तक बनने के लिए, लेकिन आप तो सीधा उनको टिकट दे रहे हैं, और जो कार्यकर्ता आपके कल तक जो है कुर्सी ढो रहे थे, जब वो इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे तो उनके लिए तो रास्ता बंद हो गया। नहीं, उनके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ, पार्टी बहुत बड़ी है, और जब सरकारें होती हैं तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उस पर बहुत सारी चीजें अपने कार्यकर्ताओं, आप इन दोनों को कोई वैलिड कारण नहीं मान रहे हैं। मैं उतना वैलिड कारण नहीं मानना जिससे जो आपका इसको कहें कि हार हो गई इससे। ठीक है सर, तो तीसरा जो कारण हमारी समीक्षा में निकला है, जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण निकला है, अब मैं शॉर्टकट कर देता हूँ शॉर्टकट की आप, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे बाकी और समय जा रहा है, तो छोटे छोटे में जवाब दे दीजिए। एक तो कि सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला जो था वो फिट नहीं बैठा, उसके चक्कर में जो है आपने अपना फोकस सब पे लगाया और सवर्ण वर्ग को आपने इग्नोर किया, बहुत सारे वर्ग छूट गए उसके अंदर, वो नाराज हो गए। दूसरा जो अग्निवीर का इशू था जिस तरीके से उठाया गया, तीसरा था कि जिस तरीके से आपके कुछ नेता ने ओवर एक्साइटमेंट में बोल दिया कि 400 सीटें आएंगी तो हम ये बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, और चौथा जो बार बार जो है जिस तरीके अमित शाह के फुटेज को एआई के माध्यम से बदला गया, या लोगों के बीच में आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा लगाया गया, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी इस बात के लिए थोड़ा सा, बीजेपी के प्रति लोग आसान्वित हैं, बड़े कास्ट के लोग और छोटे जात के लोग जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो लोग सोचते हैं कि कहीं बीजेपी उनका आरक्षण खराब कर दे, तो कुछ मिला जुला है इसमें, बहुत सारी चीजें छूट रही है जो कि मैं अब लेना नहीं चाहता क्योंकि हम इसको शॉर्टकट में रखना चाहते हैं, तो छोटा सा जवाब, क्योंकि हम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें, चाहे वो केंद्र का मैनिफेस्टो या हम लोग जो राज्य में भी सरकार, चाहे सरकारी बनी है, उन मैनिफेस्टो पर जाना चाहिए, सबका साथ सबका विकास ये, और सबका विश्वास ये, और आगे भी सबका प्रयास ये, सब पार्टी जो ने जो कहा है उसको करके दिखाया है, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके और जिला पंचायत तक के जितने भी टिकट्स हैं उन सब में ये ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ का जो टिकट पे ही मेरा एक सवाल ले लीजिएगा, सबसे ज्यादा टिकट ओबीसी को दिया गया, फॉरवर्ड को, राजपूतों को इसमें इग्नोर किया गया, बहुत सारे जाति इग्नोर्ड हुए हैं, तो क्या ओबीसी को ही सिर्फ टारगेट किया गया इस बार के चुनाव में? कहाँ की बात कर रहे हैं आप, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या पूरा टिकट के? आप पूरा टिकट ले लीजिए ना, आप पूरा टिकट गिन लीजिए, कितने ओबीसी को मिला है, कितने मुस्लिम को मिला है, कितना फॉरवर्ड को मिला है, कितना एससी एसटी को मिला, आपको पता चल जाएगा। जी, मैं खुद ओबीसी समाज से आता हूँ, और सबसे ज्यादा अगर ओबीसी का भला किया है तो इस मोदी सरकार ने किया है, बिल्कुल, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है हमारा, क्योंकि अगर आप देखते हो ओबीसी को की जो बात गणना की बात करते हैं, अबे गणना करने के बाद आप करेंगे क्या? हम पहले से उनको रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं, ये आप हमारी बात कह रहे हैं जो हम जो विपक्ष कहता है कि करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक अलग एक ही तरफ हम लोग चल गए हैं, आप देखिए कि कितने लोग हम लोगों ने, हाँ अब उत्तर प्रदेश में जितने लोगों को वोट हमने उसको दिया उतने लोग जीत कर नहीं आए, इसलिए रिप्रेजेंटेशन कम रहा, लेकिन टिकट का बंटवारा बिल्कुल सही हुआ। कुछ और चीजें हो सकती हैं इसमें, मुझे लगता है कि ये एक स्तरीय नहीं है टिकट का बंटवारा, एक आदमी नहीं करता हमारे यहाँ, हमारे सामूहिक चीजें होती है उसी से टिकट बंटता है। अब हम चुनाव के बाद वाले बात पे आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि यूपी से आपको थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद था, और यूपी सबसे बड़ा आपके गढ़ भी था, राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ था, और जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी का जो डबल इंजन की सरकार थी, योगी जी के खेमे से ये मैसेज है, क्लियर है, और आज के डेट में मीडिया में भी और सबको पता है कि जब टिकट का बंटवारा किया गया तो उसमें योगी जी के सजेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, उनको इग्नोर किया गया। अब जब पार्टी को मन लायक रिजल्ट नहीं आया है, तो जिस तरीके से अभी यूपी में उठा पटक हुआ है, जैसे केशव मौर्य जी है और जो दूसरे आपके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री
जिस तरीके से वो अब मोदी जी योगी जी को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं से भी योगी जी का कोई रोल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि टिकट का तो बंटवारा अमित शाह जी ने किया है। मैंने फिर बताया कि अमित शाह जी अकेले टिकट देने वाले नहीं है, मोदी जी अलग टिकट देने वाले नहीं, योगी जी अलग टिकट देने वाले नहीं है। हमारे यहाँ सर्वे हुआ, उसके बाद फिर नीचे से नाम मांगे गए, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टेट की है, फिर इसकी है, सामूहिक निर्णय जब टिकट बंटते हैं, अगर एक ही दिन में होता तो कर देते। तो एक बात ये है कि किसी की बात सुनी गई, देखिए लोकतंत्र है और जब सामूहिक निर्णय होते हैं तो किसी की बात सुनी जाती है, किसी की बात रह जाती है। लेकिन जब कोई निर्णय हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर ये है कि जब जिस टिकट मांगते हैं सब मांगते हैं, लेकिन जिसको टिकट दे दिया जाता है उसके उसके लिए पूरा संगठन लोग पूरी ताकत से लगते हैं। ये उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन कारणों की बात आज आप कर रहे हैं, ये कारण नहीं है, पार्टी आत्ममंथन कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष ने माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने वो कारण अपने जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी उसको सौंपे हैं। हमने पूरी 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जो 40,000 कार्यकर्ताओं से पूछकर, 40,000 बात करके वो रिपोर्ट बनाई गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें आ रही हैं, ये मीडिया के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि मीडिया को मसाला चाहिए। क्योंकि अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया में देख रहा हूँ कि जितने कम्युनिस्ट हैं, जितने हमारे विरोधी लोग हैं, वो योगी जी को बड़ा स्टार मानने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप योगी जी को स्टार बना के इनमें रिफ्ट पैदा कर दो। जबकि हमारी पार्टी की आस्था पूरी मोदी जी में है, पार्टी की आस्था पूरी योगी जी में है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और 2027 में दोबारा योगी जी सरकार बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी की आस्था किस में है? संगठन में, संगठन के आदमी, प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे, मुख्य उप मुख्यमंत्री तो लगातार। वो क्यों हार का ठीकरा योगी जी पे फेंकना चाह रहे हैं, और क्या इनके बीच में अभी बहुत बड़ी ड्रिफ्ट नहीं आ गई है योगी जी और मौर्य जी के बीच में? नहीं, ये देखिए लगातार, आज पहली बार नहीं है योगी जी और केशव जी के बारे में ड्रिफ्ट, ये लगातार मीडिया खबरें चलाती है। अगर ये होता तो हम 2022 में सरकार नहीं बना पाते। अगर ये होता तो केशव जी, और आप देखिए कि केशव जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से हारते हैं, लेकिन उनको फिर भी योगी जी अपने अपने उप मुख्यमंत्री बनाकर अपने उसमें लाते हैं, ये एक बड़ा सा उदाहरण है। तो इसलिए जो है ये चीजें हमको मसाले के लिए, मीडिया के लिए चाहिए होती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर ये मुझे लगता है कि ये चीजें गलत है। हाँ, हार की जिम्मेदारी चाहे योगी जी हो, चाहे केशव जी हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे इनको, इन सबके मन में टीस है, लेनी चाहिए, और इसके लिए आत्ममंथन पार्टी कर रहा और दिया है इसलिए सरकार को। आज भी भूपेंद्र जी के साथ था मैं, तो आज भी उन्होंने यही कहा है कि भाई अब हमको नई ताकत से लगना है, क्योंकि 2027 हमारे सामने और अभी 10 उपचुनाव हमारे सामने है, इसमें पूरी ताकत से हमें लगना। तो फिर योगी जी के साथ फेस टू फेस मीटिंग से इग्नोर क्यों कर रहे हैं आपके दोनों मुख्यमंत्री? क्योंकि मैं विधायक नहीं हूं और उस स्तर पे कि मेरा सवाल आधा रह गया है, मेरा सवाल आधा रह गया है कि रिटर्न में ऑर्डर दिया गया था सारे विधायक और उप मुख्यमंत्री को ज्वाइन करने के लिए, सारे विधायकों ने ज्वाइन किया, उप मुख्यमंत्री ज्वाइन नहीं किया, ये उनकी उनका कारण हो सकता है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। फिर राजनीति में तो यहीं से तो निकलता है धुआं, फिर आप बोलते हैं कि मीडिया को दोष ठहराते हैं। भाई मीडिया को क्यों दोष ठहरा, मीटिंग में बैठी है, मीडिया बोलेगा ही नहीं। रोहित जी, ये जो मीडिया है ये लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ है ना, और एक बड़ा स्तंभ है, नहीं मैं तो महत्वपूर्ण स्तंभ कह रहा हूँ, और ये जो कहता सुनता है उसका कुछ मतलब होता है, तो उसका मतलब हमको समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं या वो है, वो मीडिया बिल्कुल गलत होता है, लेकिन ये सब चीजें सच्चाई होती है, ऐसा भी नहीं होता, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए हमको वक्त का इंतजार करना चाहिए। जी चलिए, आपने अच्छा डक किया इसको। अब हम आ जाते हैं बजट पे, क्योंकि चुनाव हुआ, फिर यूपी में जो चल रही है स्टोरी तो चली रही है, उसके बाद जो हॉट टॉपिक आ गया वो बजट आ गया। अब ये माना जा रहा है कि चूंकि आपके पास दो किडनी है, एक तो नीतीश कुमार हैं और दूसरा साउथ में आपके पार्टनर हैं, तो अब इन दोनों किडनी के भरोसे आपको रहना है, तो अब इनको रेवड़िया देना शुरू कर दिया गया, बजट में इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बाकी स्टेट को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है।
और जो नीति आयोग की मीटिंग हुई है कल, जिसमें ममता बनर्जी अपने आप को इंसल्टेड फील की और उसमें से बाहर निकल गई, आप इसको ओवरऑल कैसे लेते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो जो हमारे प्रीपोल अलायंस के पार्टनर हैं दोनों, तो ये एनडीए का हिस्सा चुनाव से पहले थे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लेना पड़ा इनको कि सरकार बनानी है, ये एनडीए के घटक पहले भी थे। और इन्होंने कोई भी शर्त, यानी अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कितना शर्त लगाते आप जान सकते हैं, या क्या वो बांट सकती थी बिना शर्त? दोनों नेताओं ने कहा कि हम बिना शर्त आपको समर्थन दे रहे हैं। मोदी जी ने उसी वक्त कहा कि, और इन्होंने अपने किसी भी प्रकार, मीडिया ने कितना चलाया कि लोकसभा अध्यक्ष मांग रहे हैं, क्रीम वाले जो वो मांग रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि एक भी आवाज इस तरह की नहीं आई बाहर कि जिसमें किसी प्रकार की कोई जिद दिखाई दी उन दोनों नेताओं की। एक बड़ी बात है, ये समझदार नेता है और उन्होंने, इनको सरकार चलानी है, ये इसलिए कटिबद्ध है कहा भी है तो। लेकिन मोदी जी ने यह कहा कि भाई उत्तर प्रदेश जो सरकार है हमारी, केंद्र सरकार में, ये हम लोग चलाएंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री। लेकिन जो राज्य की आवश्यकता है, और ऐसा आवश्यकता नहीं कि ये बिहार और तेलंगाना की आवश्यकता है, उसकी आंध्र प्रदेश की आवश्यकता है, ये निर्मला सीतारमन जी ने एक जवाब दिया जिसमें कहा है कि कितने सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में आने वाले, मैं गैल का डायरेक्टर हूँ, हमारे कितने सारे प्रोजेक्ट वहां पर तेलंगाना में आने वाले, तेलंगाना में चल रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक राज्य के नहीं है। लेकिन अगर लगेगा कि उत्तर प्रदेश हमारा घटक है, महत्वपूर्ण घटक है, बिहार और आंध्र प्रदेश, इनको कोई सहायता करनी होगी, स्टेट वाइज स्पेशल का दर्जा देना होगा, तो उसके लिए सरकार पीछे नहीं है, ये मोदी जी ने पहले स्पष्ट कर दिया, करेंगे। तो यूपी में चुनाव आने वाला है और यूपी को किसी तरीके का स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया है, या यूपी को किसी तरीके का तरजीह नहीं दिया गया इस बजट में, और एक और अंदर की सवाल है कि जो इस बार जो आपने रेवड़िया दिया है आंध्रा को और बिहार को, तो क्या ये इसको 5 साल का डील माना जाए, या ये हर साल आपसे आपको ब्लैकमेल करेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश की जहां बात कर रहे हैं, कितने 3 तो बड़ी बड़ी रेलवे लाइन दे दी, और उत्तर प्रदेश के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको कंटिन्यू कर दिया गया है। हमारे भी 2 प्रोजेक्ट पाटा में, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सटेंशन, उसको लगभग 1.5 गुना करने की बात है, और ऐसे तमाम चीजें। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिस जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री, मुझे बनारस में कितना इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगता है, आसपास क्षेत्र में कितना पैसा लगता है, और उत्तर प्रदेश के लिए कहीं कोई किसी प्रकार की एक बड़ी अमाउंट, अगर मुझे ध्यान नहीं है, अभी हमें भूपेंद्र जी ने बताई है, एक बहुत बड़ी अमाउंट उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है, स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन दूसरी बात, आपने ये कहा कि दूसरे जो प्रदेश हैं उसमें भी हम लोगों ने अगर बजट को देखेंगे, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, तो बजट में सभी प्रदेशों का नाम ना लेकर, तो ठीक है नाम नहीं लिया गया उसमें, लेकिन आप देखेंगे कि जहां आवश्यकता है वहां, क्योंकि फिर वही मैं दोहरा रहा हूं कि मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक राज्य के नहीं। दूसरा मैं भूल गया, दूसरा मेरा यही था कि जो आपने आंध्रा और बिहार को जो स्पेशल ट्रीट किया है, क्या ये 5 सालों का नहीं, ये 5 सालों का, ये हर साल बजट आता है, 5 साल बजट आता है ना, स्पेशल फील कराएंगे आप? अगर लगता है उनको कि, उनको लगता है कि जैसे आज मान लीजिए, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आज मैंने कोई घोषणा करती है, शिलान्यास होता है पहले, उद्घाटन बाद में होता है, और कभी कभी सरकारी परियोजनाओं में ये खास तौर से होता है, क्योंकि मैं सर बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ा, यानी कि 5 साल तक हमें पूरे राज्य, ये दोनों राज्यों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? जब तक जो संकल्प तब तक होगा जी। एक पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, 20 मिनट का ही प्रोग्राम था, ज्यादा हो गया है। मोदी जी का जो वोट था पिछले बार से, इस बार 3.5 लाख से ज्यादा कम हो गया, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के, हाँ जी हाँ जी, तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कुछ कमी आई है? और दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस 99 सीट लाई है, यानी कि पहले से बहुत अच्छा बेहतर, पिछली बार 56 था, इस बार 99 है,
और वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ी है, तो जिस तरीके से उनका मनोबल उठ रहा है, तो इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी के पॉपुलैरिटी को उठते हुए और मोदी जी के पॉपुलैरिटी को गिरते हुए, क्या आपको लगता है कि ये आखिरी टर्न हो सकता है मोदी जी का? ये देखिए, मोदी जी जो बनारस में, मैं फिर बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रैटेजिक पोलिंग हुई है, जो मैं मानता हूँ कि संगठन की थोड़ा सा उसको समझ नहीं पाया या उसकी इस बार विपक्ष ने, पिछली बार जो फैक्टर थे वो फैक्टर, जैसे मायावती फैक्टर खत्म हो गया, मायावती जी का उतना नहीं लड़ पाई, और भी ओबीसी फैक्टर था वो सारे, तो इस बार थोड़ा सा जो हमारे विरुद्ध जो वोटर था वो एकजुट हुआ, वो कांग्रेस के पीछे या जहां पर भी स्ट्रेटेजिक पोलिंग करी वो, तो ये वो वोट है। अदरवाइज मोदी जी की अगर पॉपुलरिटी, भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलरिटी उसकी बात करेंगे, तो आप स्टेटस बताते हैं कि हमारा जो वोट शेयर है वो बड़ा है ना, हमारे जो पूरे भारत से हमको वोट मिली है, चाहे वो उत्तर पूर्व हो चाहे उधर हो, तो ये नहीं जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, जो जो आर्मी में जो ये आपकी पॉलिसी गई 5 साल के जॉब का अग्निवीर वाला, कहीं बैकफायर हुआ है, और उस बैकफायर को एक तरीके से दबाने के लिए जो इस बजट में जिस तरीके से प्रावधान लाए गए हैं रोजगार का, एक तो जो विपक्ष है उसने अग्निवीर के खिलाफ कंप्लीट कैंपेन लगा रखा है पूरे इंडिया में, इस पे आपको क्या कहना है, क्या अग्निवीर जो है उसको खत्म कर देना चाहिए? ये जो नैरेटिव है ये रॉन्ग नैरेटिव सेट किए जाते हैं, चाहे वो संविधान का को बदलने की बात हो, चाहे वो अग्निवीर के खिलाफ बात हो, इस तरह के रॉन्ग नैरेटिव। हाँ, ये जो है लेकिन इन नैरेटिव में जो सामान्य जन है वो आसानी से फंस जाता है, ये मैं मानता हूँ, और ये इसका जवाब। और तो इसलिए जो ये उत्तर जो भारत है इसमें, ये इस बार का जो चुनाव है 2024 का, उसका स्पष्ट मैसेज था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका होना चाहिए, है ना। अब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अलग अलग तरीके हैं, वो उसमें अग्निवीर भी है, उसमें फुल टाइम भी होता है, पार्ट टाइम भी होता है, अलग अलग तरह का, अलग अलग तरीके से रोजगार सृजन होगा, ये सरकार का, मोदी सरकार का मानना है, इस पर काम करना है, और इसका रिफ्लेक्शन बजट में आया, ये आप खुद ही बता रहे हैं। तो लेकिन सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, अपने उद्योग धंधे खोल ले, इसके लिए सरकार ने लोगों को, चाहे वो शिक्षा में लोन हो चाहे वो काम के लिए लोन हो, ये कितना मुद्रा 10 लाख था 20 लाख कर दिया बिना किसी गारंटी के, 10 लाख आप शिक्षा के लिए लोन सकते हैं, ये मतलब आप ये इस तरह का देश को एक तरह बढ़ाना है तो हमको इनसे रोजगार सृजन करना पड़ेगा, ये संदेश है। अब मेरा आखिरी सवाल है आपसे, थोड़ा हार्ड सवाल है, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लीजिएगा। मैंने शुरू में कहा था कि मोदी जी का एक पॉलिसी था सबका साथ सबका विकास, जब इस चुनाव में जिस तरीके से, जब चुनाव रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से एक मुस्लिम बहुत बड़े लीडर ने कहा कि भाई मुसलमानों ने मोदी जी से बदला लिया है, और मोदी जी ने भी एक लाइन बार बार बोला था, और मोदी जी जब कोई बात बोलते हैं तो उसका दूरगामी परिणाम होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जैसा करेगा अब इस बार उसको वैसा ही सबक दिया जाएगा। और एक जो मोदी जी के ब्रेन में चढ़ गया था ये टोटल सेकुलरिज्म वाली फॉर्मूला, और जिस तरीके से उनको मुस्लिम कंट्री में और बहुत सारे कंट्री का जो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो मिल रहा था, तो मोदी जी जो थे वो चल पड़े थे नोबेल पुरस्कार की राह पे कि हम जो है सबका साथ सबका विकास और ये वो करके जो है हम जो हिंदुत्व का जो छवि था मोदी जी का, इसका तो कोई डाउट नहीं कि 2014 में अगर हिंदुत्व की छवि इतनी प्रबल नहीं होती मोदी जी के तो वो चुन के नहीं आते, चाहे वो 2019 का बताइए या 2024 में भी जो आपको जो भी सीट मिली है वो कहीं ना कहीं उसमें हिंदुत्व सबसे प्रबल है। उससे जो मोदी जी भटक गए थे, जो गलती अडवाणी जी ने किया था, चले गए थे मजार पे चादर चढ़ाने और सेकुलर बन गए थे, क्या मोदी जी को एक का ये भ्रम था वो टूटा है, और इसी का नतीजा है कि योगी जी ने जिस तरीके से इस बार नेम प्लेट डालने वाला जो फरमान डाला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डाल दिया है, अब जो है वो फिर से उसी हिंदुत्व के एग्रेशन पे आने की तरफ बढ़ रहे हैं मोदी जी, और ये नोबेल पुरस्कार वाला जो उनका भ्रम था वो टूट गया है? नहीं, हम हिंदू, ये हिंदू इस देश का नागरिक है, इस देश का मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और वो ही इस देश को, मतलब हिंदुत्व से हम किसे नहीं हटे,
एक बात, और हिंदू सारे लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी कुछ हो और भी बाकी हैं, इस देश ने सबको पनाह दी है, इस देश का, इस देश में, इस देश में सब इसलिए भारत पिछले अगर 10 साल का शासन देखे सर मोदी जी का, तो उन्होंने मुसलमानों को वोट को कैप्चर करने की बहुत कोशिश करी, आप इसको माने ना माने, मुस्लिम वोट को कैप्चर करने की बहुत कोशिश करी बीजेपी ने, लेकिन कंप्लीटली फेल हुए हैं इस बार। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि जब हम नागरिकता भेद ही नहीं कर रहे। देखिए, जो भारत का जो प्रधानमंत्री है, वो जब आपने कहा कि वो उलेमा में भी जाता है, उलेमा के सम्मेलन में भी गए ना मोदी जी, और जब वो पशुपतिनाथ भी जाता है, मैंने कहा जब भारत का जो प्रधानमंत्री है या जो भी है, वो जो भी शासक होता है वो सबका होता है, सबका विकास। देखिए, चाहे वो राशन बांटना हो, लगातार राशन आज कितने साल हो गए, किसी को भेदभाव नहीं है, मुसलमान को मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, चाहे वो सरकार घर बनवाने हो, चाहे वो और जो गरीब है उसको मिलेगा, उसकी लिस्ट बनी निकल जाती है वो। इसलिए सबका साथ सबका विकास के नारे पर हम शब्द से स्थापित है और शब्द से उसको कर रहे हैं। मोदी जी देखिए, मैं आपने अडवाणी जी का उदाहरण दिया, उसके लिए एक बड़ा सा बात है कि जब हम लोग दो आते हैं गांधी जी के समाधि पर आगे फूल चढ़ाते हैं, कायदे आजम पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाते हैं, जब हमारे उप प्रधानमंत्री जी के रूप में जाते हैं तो उन्होंने वहां पर वो उनको सम्मान दिया। इसलिए इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार की बातें सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करती नहीं। हम लोग इस रोहित जी, एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, वेटिंगन सिटी के पॉप आते हैं हमारे यहाँ और हम उनका राजकीय सम्मान करते हैं, ये बात आज 10-12 साल पुरानी हो गई। आए थे हमारे यहाँ, लोगों ने कहा भाई वो तो ईसाइयों के ईसाई सब जानते हैं, गुरु है वो, और उनका सम्मान क्यों कर रहे हैं? तब ये उत्तर निकल के आया, वो हमारे सब समझने लायक है, कि उन्होंने कहा कि क्योंकि वेटिंगन सिटी एक देश है, इसलिए जब देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आता है तो उसका सम्मान वो किसी भी धर्म का होगा, करना हमारा भारत की परंपरा है, करना चाहिए ये। तो यही, इसलिए मोदी जी ओमान जाते हैं, मोदी जी दुबई जाते हैं, आप देखिए कि दुबई में पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कर रही है, तो मंदिर बना नहीं बना वहां पर, वहां पर हमारे, और देखिए पहली हिंदू महिला अगर किसी काबुल में गई है तो उसका नाम है स्मृति ईरानी, जो डिप्लोमेसी से गई है, हिंदू नहीं पाया। सर आप मेरी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, यही तो मोदी जी के सर पे आ गया था कि वो ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, ग्लोबल इमेज बनना चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतना चाहते हैं। सर बनना नहीं चाहते, मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। सर मान गए, ग्लोबल लीडर हैं, मान गए सर। इस चक्कर में अपने वोट बैंक को उन्होंने ठीक से एड्रेस नहीं किया। मैं आपको बता सकता हूं कि कई चैनल पे आपके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया है गांव का जहां पे लगभग 400 समथिंग मुस्लिम वोटर्स थे और परिवार थे, मुस्लिम परिवार थे और जो भी उनकी वोट की संख्या रही हो, और वहां पे उन्होंने 200 से ज्यादा लोग मुस्लिम परिवारों को मकान दिया और 300 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों को बाथरूम मिला, लेकिन जो वोट मिले हैं वहां पे सिर्फ 7 वोट मिले हैं। ये तो आप, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हम लोग, हमारा काम है सेवा करना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं भी एक जगह गया मिर्जापुर में, वहां पर पूरा मुस्लिम इलाका था, मैंने जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा सब योगी जी ने दिया हमको, जो सब 22 की बता रहा हूं मैं, और वहां पर लेकिन वहां के लोगों ने वोट दिया, वहां के बूथ को जब मैंने पूछा बोले हाँ सर वो हमारा वोट मिला है। तो ये जो वोट का के लिए सेवा करना, मुझे लगता है कि हाँ हमारा वोट मिलना चाहिए था वहां से, लेकिन नहीं मिला, तो ये इसमें वोटर को तो हम दोषी नहीं, क्योंकि उसकी चॉइस है, लेकिन हमने सेवा करी, ये आप भी मानते हैं और वो भी मानते हैं, बताया ना किसको हमने दिया। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम के सबसे आखिरी चरण में आते हैं जिसमें हम जो प्रवक्ता होते हैं उनको 1 से 2 मिनट का समय देते हैं अपना मैसेज देश को और सरकार को, अपने विपक्ष को देने के लिए। तो आपका समय अब स्टार्ट होता है। अब मेरा मैसेज तो सिर्फ आपका जो माध्यम है इससे यह है कि हमारा जो जो सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नेट जो कार्बन के लिए हम लोग उत्सर्जन कम करने के लिए काम कर रहे हैं, नदियों के लिए काम कर रहे हैं, तालाबों के लिए काम कर रहे हैं, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए और थोड़ा उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। मेरा ये सुझाव यहाँ से सभी जनता के लिए, सरकार के लिए, विपक्ष के लिए। धन्यवाद। तो संजय जी आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने, हमने बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे करने की कोशिश करी बीजेपी से रिलेटेड।
आप अपने दायरे में जो आप जितना बोल सकते थे, मुझे पता है कि आप चूंकि बीजेपी के सीनियर नेता हैं तो आपकी मजबूरी भी है कि आप सब कुछ नहीं बोल सकते कैमरे पे, लेकिन जितना आपने बोला उससे मेरे दर्शक को बहुत चीज समझ आ जाएगी। मतलब आपने एक बोला तो दर्शक को सब समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने एक गाना सुना ही होगा, ये पब्लिक है ये सब जानती है, तो उसी गाने को मन में रखते हुए आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। संजय जी, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।